नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरने का आयोजन शिक्षा भवन के प्रांगण में किया गया। धरने के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों और चयन वेतन मान प्राप्त शिक्षकों की लंबित एरिया का भुगतान अगर 15 दिन में न किया गया तो लेखा कार्यालय पर घेराव करते हुए प्रदर्शन करेंगे। यह आयोजित धरने के माध्यम से शिक्षकों ने पुरानी पेशान की बहाली की मांग के साथ साथ केसलेस चिकित्सा सुविधा सभी राज्यों में कार्यरत संविदा शिक्षकों जैसे शिक्षामित्र, शिक्षाकर्मी, अनुदेशक शिक्षक, नियोजित शिक्षक आदि का स्थायीकरण व शिक्षा नीति सन 2020 में शिक्षक विरोधी प्रावधानों में हटाए जाने की मांग की है। प्राथमिक शिक्षक के संघ बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर उपस्थित होकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीएसए व सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह को संयुक्त रूप से सौंपा है। यह आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान प्राथमिक शिक्षा संघ के कोषाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, वरिष्ठ नेता बजरंग सिंह, संरक्षक उमा प्रसाद यादव, विशंबर सिंह, अटेव जिला अध्यक्ष पूजा सिंह, महामंत्री उमा शंकर शुक्ला, अवधेश यादव, दंगल सिंह, प्रिया पांडे, डीडी उपाध्याय, रमेश पांडे, आलोक के रंजन, अमिताभ सिंह के अलावा सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। इंडिया समाचार से राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। शिक्षक संघ नई दिल्ली के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अयोध्या आज पुराने पेंशन सहित चार मांगों को लेकर आज यहाँ पर एक दूसरे धरना दिया जा रहा है, जिसमें पुरानी पेंशन हमारी मेन मुख्य मांग है। दूसरा जो एनजीओ की भागीदारी हो रही है हमारे यहाँ, वो एनजीओ के बजाय हमारे जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक भाई हैं, इनका स्थायीकरण किया जाए जिससे शिक्षकों की समस्याएँ भी ना रहें और उनका समायोजन भी हो जाए। अब हम अपने विभाग में एनजीओ की भूमिका नहीं चाहते हैं। राज्य सरकार अगर हमारे शिक्षकों में कोई कमी है तो राज्य सरकार उसकी ट्रेनिंग दे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद और इतने प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद अगर हम लोग को जो ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोष है तो अपने ट्रेनिंग में सुधार करें। ट्रेनिंग जब शिक्षक बन जाते हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हम लोग आते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाइयों को स्थायीकरण किया जाए।